Hello everyone, in this video lecture of digital communication or communication engineering, I am going to discuss quantization noise or quantization distortion or limitations of delta modulation. Sometimes पूछता है कि what is the quantization noise in delta modulation, या पूछता है distortion of delta modulation, या पूछता है कि what is the limitations of delta modulation. तो इन तीनों ही केसेस में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आंसर सेम होगा. ठीक है, केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन देयर इज टू टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन एरर. फर्स्ट इज कॉल्ड स्लोप ओवरलोड एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्रैनुलर. ये दो होंगे. नाउ अब हमें इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में शो करना हो तो ठीक है, मैं एक ही वेवफॉर्म में दोनों को शो कर देती हूँ. दिस इज एम्प्टी. ठीक है, वी ऑल नो कि इन केस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन स्टेप साइज फिक्स होता है. ठीक है, नाउ सपोज ये क्वांटाइजेशन शुरू हुआ, एमटी क्या है, मोर है देन क्वांटाइज सिग्नल, तो ये हमेशा क्या होगा, प्लस का इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, यहां लेस हुआ दैट्स वाई डिक्रीमेंट हुआ, लेस हुआ दैट्स वाई डिक्रीमेंट हुआ, लेस हुआ दैट्स वाई डिक्रीमेंट हुआ, अगेन लेस हुआ डिक्रीमेंट हुआ, अगेन लेस है डिक्रीमेंट होगा, लेस है डिक्रीमेंट होगा. नाउ ये जो स्लोप ऑफ मैसेज सिग्नल है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, एंड जो हमारा क्वांटाइज सिग्नल है, दिस इज क्वांटाइज सिग्नल मींस एम क्यू टी, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन या स्लोप ओवरलोड नॉइज. ये तो नाउ अगर हमें डिफाइन करना हो स्लोप ओवरलोड तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, और स्टेप साइज क्या है हमारी, फिक्स है, डन हो गया. नाउ इस एक्सिस पर हमारा क्या होगा, टाइम, इस एक्सिस पर क्या होगा हमारा, एम्पलीट्यूड. ठीक है, स्टेप साइज टू स्मॉल, स्टेप इफ एम क्यू टी फॉल्स बिहाइंड एम टी मीन्स मैसेज सिग्नल देन दिस कंडीशन is called slope overload and resulting difference or error is called slope overload distortion. Slope of MT is given by कैसे, डेल बाई टी एस, और वी कैन से डेल इंटू एफ एस, मीन्स कि अगर हमें इसको रिड्यूस करना है स्लोप ओवरलोड को, तो या तो हम स्टेप साइज को इंक्रीज करेंगे या तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे. क्लियर हो गया ना, टू रिड्यूस दिस डिस्टॉर्शन वी कैन इंक्रीज स्टेप साइज और वी कैन इंक्रीज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. स्टेप साइज डेल और एफ एस, ठीक है, बट इफ डेल इज इंक्रीज then granular noise also, ठीक है, योगी कंडीशन. नाउ समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें स्लोप ओवरलोड को रिड्यूस करना है, वॉट इज द कंडीशन ऑफ स्लोप ओवरलोड. ठीक है, तो देर इज अ कंडीशन ऑफ स्लोप ओवरलोड, स्लोप ऑफ क्वांटाइज सिग्नल टी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल बाय डीटी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. ठीक है, सो नाउ अगर लेट एम टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एम टी देन मैक्सिमम डी एम टी बाय डीटी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, इसको डिफरेंशिएट करो, डी ए साइन ओमेगा एम टी बाय डीटी, ठीक है, will be equal to maximum, क्या जाएगा इसको differentiate करने पर, a omega m cos omega m t, ठीक है, तो maximum value के लिए क्या हो जाएगा, is equal to a omega m, क्योंकि maximum value क्या होगी, जब इसकी value 1 होगी. ठीक है, means to avoid slope overload del by t s should be greater than equal to a omega m, a less than equal to डेल बाई टी एस ओमेगा एम, और वी कैन राइट कि ए शुड बी लेस देन ए एफ एस बाई टू पाई एफ एम. कंडीशन हो गई कि स्लोप ओवरलोड
नहीं होगा. अगर पूछना है कि कब होगा, तो इन दैट केस इफ नॉट सेटिस्फाइड दिस कंडीशन मीन्स इफ ए इज ग्रेटर देन डेल एफ एस बाई टू पाई एफ एम देन स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन विल अकर. ठीक है, तो अगेन मैं कहूंगी अगर आपसे पूछता है कि शो द कंडीशन कि व्हेन स्लोप ओवरलोड विल अकर, देन यू हैव टू सॉल्व दिस. अदरवाइज जो थ्योरी पार्ट किया था दैट वाज इनफ. ठीक है, क्लियर है? या मेंशन कर देती हूं, दिस इज एमक्यू. नाउ अब पहले हमने बताया था कि हमने दो तरीके बताए थे कि अगर हमें स्लोप ओवरलोड करने हैं तो हमारे स्टेप साइज या तो हम इंक्रीज करते हैं या हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें. बट अगर हम स्टेप साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा ग्रैनुलर नॉइस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. अब हम ग्रैनुलर नॉइस देख लेते हैं. ये वाला जो है आपको वैल्यू, दिस नॉइस शो द ग्रैनुलर नॉइस. ग्रैनुलर नॉइस में क्या होगा, जो मैसेज सिग्नल एमटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ग्रैनुलर नॉइस के केस में क्या होगा, इफ वेरिएशन ऑफ मैसेज सिग्नल एमटी वेरी स्मॉल एंड एमटी विद इन द स्टेप साइज विद इन द स्टेप साइज. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, द रिकवर्ड एम क्यू टी मीन्स की जो स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन होगा इज स्क्वायर वेव. ये यू कैन सी दिस. ठीक है, बिकॉज यहां पर आप देखो आफ्टर एवरी टी एस ये प्लस वन प्लस डेल का इंक्रीज हो रहा है, फिर नेक्स्ट में डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, स्क्वायर. तो दिस विल बी रिकवर्ड एज डीसी सिग्नल, बट हमारा जो इनपुट सिग्नल था वो डीसी सिग्नल नहीं था. तो दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलर. ठीक है, नॉइज. अब इसको अगर रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग स्टेप साइज. बट when we decrease step size, slope overload will increase. तो so हम क्या use करते हैं, adaptive delta modulation is used to reduce both limitation. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन नॉइज और क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन इन डेल्टा मॉड्यूलेशन. ये जनरली आपका थ्योरी में आता है, तो आपने ये डायग्राम और ये दोनों की थ्योरी लिख के शो करनी पड़ेगी. अगर आपको वो लिमिटेशन पूछता है कि व्हेन स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन अकर, तो जो मैंने मैथमेटिकल वाला पार्ट किया था तब आपको वो पार्ट करना होगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा मॉड्यूलेशन. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.